सबसे बड़े लोन माफिया लक्ष्य तंवर का आलीशान बंगला पुलिस और प्रशासन ने किया कुर्क। कविनगर इलाके में करीब 2 करोड़ रुपए कीमत का बंगला किया गया कुर्क। लोन माफिया लक्ष्य तंवर पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज है और वह जेल में है। कई बैंकों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों का चूना लगाने का लक्ष्य है तंवर पर, फिलहाल ये आरोप है। कार्रवाई की गई है, किस तरीके से कार्रवाई? ये कार्रवाई ये बता दिया गया है ना, लोन माफिया लक्ष्य तंवर पुत्र अशोक कुमार का, अपर जिलाधिकारी नगर गाजियाबाद के वार्ड संख्या 164/2022 के तहत ये कार्रवाई के आदेश के अनुपालन। कितनी की कीमत की संपत्ति है ये? करीब 2 करोड़ कीमत। और आगे भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, कार्रवाई जारी रहेगी जब तक इसका निस्तारण होने। करीब 2 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त। कार्रवाई, लोन माफिया लक्ष्य तंवर पुत्र अशोक कुमार का एक संगठित गिरोह है जिसके द्वारा वर्ष 2012 से अब तक विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों से साथ काटकर आम जनता के साथ धोखाधड़ी करके कूट रचित दस्तावेज तैयार कर विभिन्न बैंकों से लोन लिया गया तथा गैंग लीडर लक्ष्य तंवर द्वारा आर्थिक अपराध पारित कर नामी व बेनामी संपत्ति अर्जित की गई है, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर मुकदमा संख्या 922/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम लक्ष्य तंवर आज 12 नफर में पंजीकृत है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन, श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा लोन माफिया गैंग लीडर लक्ष्य तंवर द्वारा आर्थिक अपराध कार्य कर अर्जित की गई संपत्ति के संबंध में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए न्यायालय अपर जिला अधिकारी नगर गाजियाबाद के द्वारा वार्ड संख्या 164/2022 सरकार बनाम लक्ष्य तंवर में पारित आदेश दिनांक 31/1/2022 के अनुपालन में गैंग लीडर लक्ष्य तंवर की करीब 2 करोड़ की बेनामी संपत्ति कविनगर स्थित भवन नंबर KCE8 एवं भवन नंबर KC12 को धारा 14(1) गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत दिनांक 19 फरवरी 2022 को कुर्क किया जाता है।